तलबाए दौरा हदीस शरीफ, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि सबसे अहम बात यह है कि हम अपने मौकिफ को समझें, अपने नज़रिया को समझें, अपने अकीदा को समझें, अपने दलायल को समझें। और आपका मद्दे मुकाबिल जो आप पर एतराज़ कर रहा है उसके अकीदा और नज़रिया और फ़िक्र को समझें, फिर हमारे लिए बात कहनी बहुत आसान होगी, समझानी बहुत आसान होगी और अपनी बात का खुलना ये बड़ा आसान हो जाएगा। इस वक्त हमारे सामने सही बुखारी शरीफ मौजूद है जिसका मुकम्मल नाम है अल जामिउल मुस्नदुस सहीहुल मुख्तसरु मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननही व अय्यामही। आम तौर पर इसको सही बुखारी के नाम से याद किया जाता है जिसके मुसन्निफ अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हज़रत मोहम्मद बिन इस्माईल अल बुखारी नव्वरल्लाह मरकदहु है। बुखारी शरीफ अहम तरीन किताब है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मोतमद तरीन किताब है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं। इसलिए खुद अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद के यहाँ सही बुखारी को बड़ी अहमियत के साथ पढ़ाया और समझाया जाता है। और अजीब बात यह है कि हमारे यहाँ बतौर ख़ास हिंद, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ये वो इलाके हैं जहाँ पर अहनाफ कसर अल्लाह उस्वादहुम की बिहम्दिल्लाह ताला वाज़ अक्सरियत मौजूद है। बहुत मुख्तसर सा टोला, चंद एक अहबाब जो मैदान में निकलते हैं और अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद के अकायद, नज़रियात और मसाइल को ज़ेर बास लाते हैं, मिंबरों महराब पर भी लाते हैं और अवामी स्टेज के अंदर भी लाते हैं। हमारी ज़रूरत और मजबूरी बन जाती है कि अपने हजरात को समझाएं कि हमारा अकीदा क्या है, हमारा नज़रिया क्या है और ये मुखालिफ किस बुनियाद पे बात कर रहा है। तो हमारे यहाँ जो गैर मुकल्लदीन हैं, अहनाफ की मुखालफत में मैदान में उतरते हैं, वो आम तौर पर सही बुखारी को बतौर दलील के पेश करते हैं और अवामुन्नास में ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि सही बुखारी के साथ रिश्ता अहनाफ का नहीं है बल्कि गैर मुकल्लदीन का है। इसके लिए वो अपना नाम अहलुल हदीस तजवीज़ ही नहीं करते बल्कि बकायदा दरख्वास्त देकर अपना नाम अंग्रेज से अहल हदीस अलाट करवाते हैं और ये तासर देते हैं कि हम भी अहल हदीस हैं, इमाम बुखारी भी अहल हदीस है, हमारा आपस में बाहमी रिश्ता है, अहनाफ अपने मदारस में सही बुखारी पढ़ाते भी हैं, सही बुखारी का साल के आखिर में ख़त्म भी कराते हैं, इज्तिमा भी इसके नाम पर करते हैं, लेकिन सही बुखारी पर अहनाफ अमल नहीं करते, अहनाफ के इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आज के दर्स में और आज के बाद भी कुछ दुरूस में इस बात पर तफसील से रोशनी डालूंगा कि सही बुखारी के साथ ताल्लुक अहनाफ का है, मुकल्लदीन का है, या सही बुखारी से ताल्लुक उनका है जो गैर मुकल्लदीन है और तकलीद को शिर्क कहकर मुकल्लदीन की मुखालफत करते हैं। मुकल्लदीन ने इस्लाम को फैलाने में जो कुर्बानियाँ दी हैं उस पर पानी फेरते हैं और एक फतवाबाजी का बाजार गर्म करते हैं। तो ये मैं इंशाअल्लाह वजाहत से अर्ज़ करूँगा।